हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। अभी मैं सोया था, मेरे को डैड ने बोला कि नीचे जाओ और पहले मेरे को फिल्मिंग गाड़ी का निकल के दे करके। मैं बोला ओके ओके चलेगा, जाके निकल के देता हूँ करके। तो फिर जीप का इतना दिन का ही ऐसा ये था। फिर मैंने पापा को बोला कि मैं बस में आगे का निकल रहा हूँ करके, अगर आपको उतरेगा तो वैसे चलाओ, नहीं उतरेगा तो मैं पूरा निकल के ही देता हूँ आपको। सीन क्या हो गया, पापा ने इसके ऊपर 3M का ये भी लगाया था, वो क्या बोलते हैं उसका, वो सन प्रोटेक्टिंग फिल्म। तो मेरे को बस डर है कि वो ना निकले, अरे वो निकला तो फिर ऐसा इतना कुछ ये नहीं है, पापा को समझेगा कि नहीं इतना। नहीं निकल रहा है, इस पर है। मैं बोला कि यार ये 4,000 की फिल्म, वो 25,000 की फिल्म ख़राब हो जाएगी। पापा की फिल्मिंग नहीं, मतलब पापा की गाड़ी की फिल्मिंग निकलनी थी, इसलिए मैं नींद में था, मैं बहुत गंदा नींद में था। मैं मेरे को सीधा ऐसा मम्मी दादी ने उठाया, मेरे को बोला पहले मेरे को वो हॉटस्टार चालू करके दे, मेरे को वो कुछ तो सीरीज़ रहती है ना, वो हॉटस्टार पे आती है, वो देखना था, उसको नाम याद नहीं आ रहा है, वो अनुपमा। तो वो ये कर रहा था, तो पापा ने बोला कि मेरे को फिल्मिंग भी निकल के दे करके। और मैं हमेशा जब भी निकलता हूँ ना, तो मेरे साइड से कभी ना कभी तो एक साइड रह ही जाता है। अभी मैं आधे नींद में था, फिर मैंने निकला ना, पूरा क्लियर हो गया। अभी होपफुली पापा को चलाते हो दिखेगा अभी थोड़ा, लेकिन ऑलमोस्ट कैसा लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है फिल्म में आपके रंग पर चलाते हो। हेलो, वेलकम बैक। अभी मैं घर पे ही बैठा था, नाश्ता नहीं लंच वगैरह करके। फिर मेरे को राहुल का फ़ोन आया, बोला कि विमन नगर आता रहेगा तो आ जल्दी करके। मैं बोला ओके, फिर नहाया धोया, मेरे साथ में प्रोटीन शेक लेके अभी अपन जा रहे हैं विमन नगर। बाय। ये लोग को भूख लगा तो हम लोग पहले की तरह तो खाने को जाएंगे। मैंने तो खाया नहीं, मतलब मैंने तो खाया इसको, मैं खाऊंगा नहीं यहाँ पे। उसके बाद फिर हमारा एक स्पॉट है वहाँ पे, हम लोग टाइम पास करते बैठे गए। बाय बाय। अरे रोस्टेड गार्लिक बहुत भारी रहेंगे, चीजें बहुत बंका रहेगा। एक चीज भी रखी बाकी अरे बहुत लेट चालू हो गया, अरे शॉर्ट हो गया थोड़ा। महीने चल रहा है भाई, ए लेना प्लीज। अरे मेरे को उसके बाद उसके तेरे को छोड़ के उसके चला तेरे बैठने का गाड़ी। अरे तो मेरी गलती छोड़ दे। तो गाइस अभी अरे क्या चूते लोग है लौड़े, क्यों क्या हुआ ऐसा, 3-4 बार रिटेक लेना फिर बोलने को मुड़ जाता है यार, तू चूते है सच में यार, गाली क्यों दे रहा है। अभी सीन ऐसा हुआ कि हम लोग सब तब साथ में थे, साहिल बोल के वगैरह वगैरह, और वो लोग खराड़ी से ही निकल गए आगे क्योंकि उनको लेट हो रहा था, और बाकी मैं अनुराग राहुल ये लोग हम लोग रुके थे। अभी हमारे टाइम पास वो लोग को लेट हुआ था, इसलिए वो लोग मेरी गाड़ी लेके चले गए जीप, और मैं सेफ को उसके घर के नीचे छोड़ के मेरे को एक मेरे फ्रेंड को मिलने गए, मतलब एक जो मेरा दोस्त है उसको मिल के फिर हम लोग वहाँ से वापस सेफ को लेके मैं लोधा को जाऊँगा, फिर वहाँ हम लोग टाइम पास करके फिर मेरी गाड़ी वहाँ से लूँगा। पर जा रहे थे, कुछ काम था इसलिए। हाँ अभी ये पूरे प्लानिंग में मेरे को लिफ्ट के अंदर मारने के लिए, पर मेरे को कुछ होगा नहीं, मेरे को मेरे को आप ऐसा हम लोग का वो ऐसा बोला वो पोजीशन नहीं करना क्या। हाँ वो पैसे गाड़ी में चले दे, अभी ऊपर जाके आपस नीचे जाऊँगा ना। अभी हम मैं सोचता कि नहीं क्या वो प्लान कैंसिल करते हो जो दोस्त को मिलने जाना था, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। तो फिर मैं सोचा कि सेफ के साथ ही आज रूम में टाइम पास करता हूँ, वो दिन के बाद आया मैं। हाँ अभी ज़रा अच्छा लग रहा है। अरे यार मैं बाथरूम में जाऊँगा तो मुँह दूंगा, अभी जा तू पहले नहा के ले चल। इधर का लाइट बिट बंद है यार।
ये घर का यही प्रॉब्लम है यार, इधर ऐसा बैठे ना तो बैठने का ही मन करता, उठने का मन करता ही नहीं है। चल निकल, चल चल चल। चाबी भी किधर है? अभी ये लोग लोता में हम लोग के लिए वेट कर रहे हैं, तो हम लोग को भूख लगी थी इसलिए मैं हम लोग यहाँ पे आए। मैं इसको बोला था टेक अवे करते करके, पर ये बोला कि आप ही खाते करके। मैं इसको बोला स्नैप मत डालने, तो वो लोग देख के चल रहे। रात के 2 बजे और मैं बहुत फ्रेश हूँ, मेरे को नींद आई है बट नहीं आ रही है, ऐसा हो रहा है। अभी ऊपर जाके मैं थोड़ा बिग बॉस देखूँगा, क्योंकि उसमें जो यहाँ पे अपन करते हैं वैसे ही एक साथ वाला यूट्यूबर जो ऐसे ये कर रहा है, मतलब वो एलवी शादो वो आया, तो फिर हम लोग सब लोग ऐसा सिस्टम सिस्टम करके टाइम पास में उसकी वीडियोस देखते बैठते, वो देखूँगा, फिर पबजी खेलूँगा। और होपफुली मेरा मूड थोड़ा इनलाइटन हो रहा है, क्योंकि एक ऐसा खुशखबरी है जो ऐसा कुछ नया नहीं है, पुराना ही है, वो अगर हुआ कर तो फिर बहुत अच्छे लगेगा, क्योंकि मैं मतलब डेड सोल टाइप हो गया था। और वो चीज़ जानने के बाद मेरे को वो चीज़ का इंपॉर्टेंस समझा, तो फिर अगर कल वो आया तो फिर अपन मिलते हैं। तो कल मैं पहले बोल रहा हूँ, ऐसा मेरे सेकंड पे दिख के आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, पर एक अलग सा सुकून होगा और ऐसा खुशी होगी शायद से, शायद से। मोटी चाल मोटा पैसा दिखा दो, कोई मारे जैसा नहीं, माजरूड़ा मारे जैसा बेटा था। ऐसे करके अभी मेरे को डैड का फोन आया, उनको बोला हो गई तेरी गाड़ी, होगा जा के ले ले करके। और फिर मैं ऐसी नहीं एकदम 150 जैसे बैठा था, जैसे बोला ना ऐसा इंस्टेंट एनर्जी आ गई मेरे अंदर। तो भाई लोग जो लोग बोल रहे थे ना वेरना किधर आ गई, और ऐसा फ्लेक्स नहीं कर रहा, बता रहा था कि क्या हुआ था गाड़ी को, थोड़ा सा जरा ज़्यादा ही हुआ था, तो गाड़ी का कुछ तो काम अराउंड 2,30,000-40,000 के आसपास आ गया, जिसमें से इंश्योरेंस बस 1,00,000 का क्लेम हुआ, ऊपर का तुम्हारे भाई ने भर दिया, तुम्हारे भाई के गार्ड ने। और इसलिए इतना टाइम लग रहा था क्योंकि गाड़ी का काम पहले हो चुका था, बट देन वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं होती, क्योंकि क्लेम करने से इंश्योरेंस था ही नहीं। फिर वो सेटिंग वगैरह करके सब करके सब कुछ हो गया। वापस बोल रहा हूँ, फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, जो हुआ वो बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इतने 2 महीने के अंदर इतने लोगों ने पूछा है ना गाड़ी किधर है, गाड़ी किधर है, तो बेटा गाड़ी आ गई ठीक है, अभी ज़रा अच्छा लग रहा है थोड़ा। और मतलब कुछ लोग देखते रहे और बोलते रहे कि क्या है भाई बस गाड़ी का फ्लेक्स करते रहता है, ये गाड़ी दिखाते रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं ऐसे टाइप का हूँ कि मैं लोगों पे कम और एक हद पर मेरी गाड़ी पे जाना ज़्यादा लूँगा, क्योंकि मेरे को पता है कुछ लोग नाम के रहते बस आगे आते हैं, ये चीज़ ऐसी है ना ये तुम्हारा साथ एंड तक नहीं छोड़ेगी। और वो गाड़ी ने मेरे को इतने बार बचाया ना ऐसे ऐसे जगहों से, मतलब जो बाकी वेरना भी मैं चलाऊँ ना, तो मेरे को वो गाड़ी और मेरी गाड़ी में मेरे को बहुत अलग डिफरेंस लगता है, कॉन्ट्रास्ट मैच नहीं हो रहा ना ये, पहले ही मैं बहुत गोरा हूँ। तो यस, ओएस उधर इज बैक विथ हिज कार अगेन, एंड ट्राई करूँगा इस बार मैं गाड़ी का ठीक से ख्याल रखूँ, उसको फकटअप ना करूँ, क्योंकि मेरा चीज़ एक्चुअली कुछ चीज़ों से मैं बहुत ये हो गया था, तो फिर मैं जो मन में आया वो ऐसा कर रहा था और मैं ध्यान नहीं दे रहा था गाड़ी के पास। तो गाड़ी ने मेरे को बोला देख लो चूतिया, मैं बस ध्यान दे, मैं बस ध्यान नहीं दे रहा, मैं भी तेरे को छोड़ के चली जाऊँगी। चली गई, वापस भी आ गई। अभी मैं जा रहा था क्रेटर से, बट मैं सोचा कि नहीं क्या कार्डियो करते करते जाता हूँ मस्त थोड़ा, क्योंकि कल मेरा मैं जिम को गया नहीं था, कल बस मेरा कार्डियो और एब्स था, तो फिर मैं सोचा था अभी सब चलते चलते जाता हूँ गाड़ी लेता हूँ, होपफुली गाड़ी आ गई वापस, अभी मिलते बाद में। बाय। एक्चुअली शोरूम मेरे घर के पास ही है, और मेरा ऐसे जाने का एक रीज़न है, मतलब मैंने गाड़ी को जो हालत में छोड़ा था ना ऐसा, तो वो हालत में मैं होते हुए जा रहा हूँ, थोड़ा घूम के जा रहा हूँ, थोड़ा चिक्कड़ में जा रहा हूँ ऐसा। मेरे को जो खुशी हो रही है ना मैं वो आप लोग को बता नहीं सकता, मतलब मेरे को कोई नई गाड़ी अगर मैंने ली होती ना जो मेरे को लेना है, मतलब ऐसा फॉर्च्यूनर या फिर मस्टैंग वगैरह, मेरे को वो गाड़ी लेते हुए भी इतनी खुशी नहीं हुई रहती जितनी ये गाड़ी वापस आने की मेरे को खुशी हो रही है। बहुत टाइम पर ये गाड़ी मेरे साथ रही है, जब कोई था नहीं, मतलब मैं इस तरह बैठ के ऐसा इमोशनल होता था या फिर खुश होता था, जो भी था ये गाड़ी मेरे साथ थी हमेशा। आ गई वापस, मेरे को आप लोग को बता देता हूँ कि गाड़ी में क्या क्या हो गया। यहाँ पे नीचे डेंट थे वो हो गया, ऊपर डेंट था वो हो गया, पीछे के टेल लाइट वो साइड ये साइड का नया है, हेडलाइट दोनों भी नए हैं वो साइड का ये साइड का भी, बम्पर नया है, उसके आगे का वो ग्रिल है वो नया है, एसी का कंडेंसर जो भी रहता है वो जो पार्ट जो मेरे को पता नहीं है, उसके नीचे का भी जो रहता है वो भी सब नया है। मतलब बस ये गाड़ी मॉडल ये देखो, ये क्या है, ये लेगा भी कौन, ये क्या है, ये आंटी कार है, ये वो एक मेंस कार है। हाँ अभी ज़रा वो क्या बोला है उसने, वो पार्ट का नाम मैं भूल गया यार, जो नीचे व्हील गार्ड रहता है ना वो थोड़ा सा वो सड़क का टूटा था, मतलब वो भी नया डाल दो करके।
ये भी साइड का पूरा हो गया है। यहाँ पे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अनुराग जैन, जिसको मतलब वापस मैं कुछ बोलूँगा आँखें वगैरह वो वापस शॉट करेगा मेरा, उसने यहाँ पे उसके वजह से यहाँ पे एक डेंट भर गया था, वो भी पूरा ही हो गया। इन शॉर्ट पूरी गाड़ी नहीं हो गई है, कुछ भी रहा नहीं है, अभी कुछ भी नहीं रहा, बस अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा फट गया था, बाकी सब नया दिख रहा था। मैं उनको बोला कि ये भी रहेगा अगर पार्ट तो डाल दो करके, क्योंकि फिर वो पानी में, वैसे भी बारिश का टाइम चालू है और फिर स्पीड में जाते को पूरा फट जाएगा और वापस पूरा टूट जाएगा, तो मैं बोला कि उनको डाल ही दो अगर रहेगा तो। गाइस अभी गाड़ी लेके हो गया, मम्मी को जो वो हर पेरेंट्स करते हैं वो थोड़ा ऐसा जो भगवान का रहता है वो मम्मी ने वो सब किया, फिर मेरे मम्मी बोली अभी धीरे चला ये वो सब करके हो गया। अभी मैं खुशी साइड को रखे थोड़ा प्रैक्टिकल रह रहा हूँ और मेरा खुशी अलग साइड को रखे, जो मेरे सारे दोस्तों के मेरे को वो लोग का ही फोन आ रहे भाई गाड़ी आ गई गाड़ी, कांग्रेचुलेशन बोल रहे हो, थैंक यू करके मेरे को बोल रहे कि मेरे को अभी लेने को आकर के बहुत दिनों गाड़ी में बैठे नहीं, क्योंकि जितने मेरे मेमोरीज गाड़ी में है ना उतने मेरे साथ वाले दोस्तों को भी, मतलब मेरा राहुल का अनुराग जैन वगैरह ये सब फालके वगैरह ये सब दोस्त लोग जो है वो। हाँ अभी मैं जा रहा हूँ जिम को, वहाँ से फिर रात को ये लोग को मिलूँगा, और ये लोग मेरे को कम देखेंगे यार जो गाड़ी को ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि भाई चीज़ ही ये देखने लायक जैसी है सर। की वार के थोड़े ऐसा कैसे बोलो अभी मैं चिक मैग्नेट्स या जो भी लड़के लोग इन लोग को बोलते रहे ऐसे मस्त है, साइड से आके टू व्हीलर से एकदम ऐसा कट बिट मारा था और सीधा जाके वो रिक्शा वाले को ठोका, उसकी टू व्हीलर पूरी ऐसा हवा में उड़ी और डायरेक्ट सर पे गिरा ये उड़ी वाला गॉड। तो अब भी समझा कि ये साड़ून की रोड पे आज इतना गर्दी क्यों है, मेरे को लगा कि मैं कभी ये रोड पे गर्दी रहती नहीं है, और मैं वो कल से बोल रहा था कि वो वॉफल डे या कुछ तो भी है आज, 100 रुपये में वॉफल वगैरह कुछ तो मिल रहा करके, इसलिए इतने लोग आए यहाँ पे खाने को। ये देखो पूरा भीड़ भरा है डायरेक्ट पीछे तक, क्योंकि वैसे ट्रैफिक ये लोग ने गाड़ी वहाँ पे रोड पे लगा दी है। पता क्या, नहीं नहीं अभी गाड़ी लेके आया मैं, तो मेरे को इसको बहुत ऐसा प्यार से वापरना, अभी तो मैं एकदम अभी बाहर भी निकला ना तो मैं धीरे धीरे चला रहा था, बट ये जालिम दुनिया जो मेरे साइड को है ना वैसे मेरे को एकदम ऐसा नॉर्मल चलता हुआ देख नहीं सकते। फिर वापस मेरे को थोड़ा बहुत ऐसा गर्दी में से निकलना पड़ा वो बेल्जियन ओफल के ट्रैफिक की वजह से, और फिर मैं इधर डर डर के गाड़ी लगा, मैं सोचा कुछ हुआ तो ये नीचे नहीं गिरेगा ना वगैरह वगैरह, ऐसा थोड़ा डर लग रहा था। अभी मैं जा रहा हूँ जिम को। गाड़ी पर रेंज भी ऐसे किलोमीटर की आई ना जो मेरे लिए अनलकीस्ट नंबर हो गया, मतलब उसका 22-7 होता है वो मेरे को पसंद है, मेरे बर्थडे का 25-7 ही होता है वो भी मेरे को पसंद है, बट ये 16 नंबर मेरे लिए घातक रहा है घातक। वैसे मेरे को बाय द वे पापा ने बोला था कि मैं आने तक गाड़ी निकल मत करके, मतलब ऐसा कुछ बोला नहीं था, ऐसा उनको थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था, बट देन बारिश हो रहा था इसलिए मैं गाड़ी लेके आया जिम को। वहाँ से अभी घर जाऊँगा, खाऊँगा नहाऊँगा, पापा से बात करूँगा, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे लोधा को, सब लोग गाड़ी देखे के टाइम पास करेंगे जो रोज़ हम लोग करते हैं वैसा, फिर वहाँ से रात को घर चले जाएंगे। बाय। इतने दिन मेरी गाड़ी यहाँ पे नहीं थी, कौन कौन आके इधर मार्च करके जाता था यार, मेरे को बहुत फ़र्क भी नहीं पड़ता था ऐसा, मतलब 16-17 लाख की गाड़ी जाके मैं जीप में ही घूम रहा था ऐसा, बट देन ये ऐसा कुछ तो अटैचमेंट है मेरा इससे। करू खड़े खड़े हैंग बेरी जिंदे करू हैंग घुसू गैंग मैं अकेला निकलू करके बैंग 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 मोटी चैन मोटा पैसा दिखा तो कोई मारे जैसा भीड़ में दिखे अलग चमक ऐसी चोरी चिल्ला भाई पैसा ही पैसा ही चैन खत्म।